नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं नवनीत कुमार। आज हम मौजूद हैं विभूतिपुर प्रखंड के बेलसंडी तारा पंचायत में। बेलसंडी तारा पंचायत में हम अभी मौजूद हैं राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय विद्यालय बेलसंडी तारा में, जो कि यहां पे मध्य निषेध दिवस के रूप में अभी एक प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं तमाम बच्चे जो है ना इसमें शिरकत कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बच्चों ने जो है ना यहाँ पे पकड़े हुए हैं बैनर, जो कि इस विद्यालय का बैनर है। तमाम जो टीचर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। हर एक विद्यार्थी के हाथ में बैनर रखा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैनर। आप देखिए इस बैनर में क्या लिखा हुआ है। ये बैनर में लिखा हुआ है लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, सुशासन बाबू भी उनको कहा जाता है, उन्होंने 1 अप्रैल 2016 को एक योजना पारित की थी, एक मद्य निषेध पर बैन लगाया था, यानी कि उस पर बैन लगाया था, शराबबंदी करी थी, जो कि बिहार में बहुत सारे युवाओं, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग, ज्यादातर महिलाएं जो है ना इस पे चढ़ बढ़कर भाग लिया था और उन्होंने इस काम को सराहा था। अभी मैं आपको बता रहा हूं यहां से जो ये प्रभात फेरी निकल रही है, ये जो बच्चों की हुजूम निकल रही है, ये उन लोगों के लिए है जो असंगत में रह के अभी तक छोड़े नहीं है, जो पीना वगैरह जो भी लत वगैरह करते हैं उन्होंने नहीं छोड़ा है। कुछ ऐसे उपद्रवी लोग अभी भी समाज में है, उस उपद्रवी लोगों को जो है ना जगाने के लिए, उनमें विश्वास जगाने के लिए ये बच्चों की प्रभात फेरी निकाली जा रही है। कम से कम थोड़ा नहीं तो थोड़ा बहुत तो उनको इसकी जानकारी होगी, जिससे कि उनको शिक्षित होना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, नशा से नाता तोड़ेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे। जी हां, नशा से परिवार भी टूटता है, नशा से परिवार भी टूटता है। और यहां पे देखिए, यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हम सब ने ठाना है बिहार को नशा मुक्त बनाना है। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के बीच में बैनर रखे हुए हैं, हाथ में लटकाए हुए बहुत सारे, ये लिखा हुआ है छोड़ दो भाई, छोड़ दो शराब पीना, छोड़ दो। यानी अगर आप किसी ना किसी तरह इससे यह संदेश मिलता है कि आपके पास अगर नशा का लत है, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार, आपके समाज, आपके बच्चे इसमें जो है बिगड़ेंगे और उन पे जो है विसंगतियों का दुष्प्रभाव पड़ेगा, और वो आगे जाके ना तो विकसित करेंगे और ना ही वो विकसित समाज को बनाने में, निर्माण करने में जो है सो मदद कर सकते हैं ना कहीं भी, और वे बाद में फेल्योर साबित होंगे। चलिए हम यहाँ के जो प्राचार्य महोदय हैं, प्रमोद राय जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, आखिर इसका क्या उद्देश्य है, ये क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। आपका बीटी न्यूज में आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद। आज हम लोग, चूँकि शिक्षा विभाग जो है सो सदैव से नशा मुक्ति अभियान में एक नोडल विभाग के रूप में अपना मुकाम बनाया है, इनको जवाबदेही भी दिया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी सरकार के द्वारा, और इसने बखूबी निभाया भी है। विभूतिपुर में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बेलसंडी तारा का एक अपना एक वजूद है, एक अपना स्थान है, और नशा मुक्ति अभियान में जिला में प्रथम पुरस्कार जो पूर्व में मिला था उसमें इस विद्यालय का भी महती योगदान था। तो आज चूँकि 26 नवंबर का दिन है, ये संकल्प का दिवस है और नशा मुक्ति दिवस भी आज मनाना है, तो हम लोग बच्चों के माध्यम से अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्रों में घूम घूम करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि नशा पान करने से न केवल हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमारे पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी पतन होता है। तो उनमें जो मानवोचित गुणों का जो ह्रास हो रहा है, छिनता आ रही है, उसको किस तरह से बनाए रखा जाए, इसीलिए हम लोग जन जागरूकता अभियान बच्चों के माध्यम से प्रभात फेरी निकाल करके करने जा रहे हैं। जी जी, धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे प्रमोद सर, जो कि प्राचार्य हैं इस विद्यालय के, उन्होंने बताया कि इस फेरी का क्या महत्व होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के अध्यापक हैं, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राम प्रकाश पंडित है और मैं इसी विद्यालय में कार्यरत हूँ। ये इसका जो नशा मुक्ति का जो मूल उद्देश्य है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी बनी रहे, अच्छी बनी रहे, और इसके लिए
विशेष रूप से हम लोग तो बच्चे को सदैव जागृत करते ही रहते हैं। वर्ग कक्ष में भी ऐसा कहते रहते हैं कि नशा मुक्ति से हमारा आर्थिक ही नहीं, स्वास्थ्य से लेकर के सामाजिकता पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग आज जो ये संकल्प दिवस के रूप में हम लोग बच्चों के साथ निकल रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि कुछ ऐसे लोग अभी भी समाज में हैं जो नशा पान को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, और इसलिए उनको जागृत करने के लिए हम बच्चों के साथ गांव में अपने पोषक क्षेत्रों में घूम घूम करके बताएंगे कि ये बुरी चीज़ है, इसे छोड़ दीजिए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे सर को। अब मैं यहाँ पे कुछ महिला शिक्षिकाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं कुछ बातें कि नशा मुक्त बिहार हो हमारा, इससे आप कितना सहमत हैं। पहले अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम हुमा तबस्सुम है, मैं इस विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका हूँ। हम लोग यहाँ पे प्रभात फेरी का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग ये प्रोग्राम बार बार करते थे, बच्चों को अपने स्तर से भी बताते थे कि आप लोग अपने घर में जा कर के अपने माँ को समझाइए, पिताजी को समझाइए कि नशा जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सिर्फ इसका असर उन पे नहीं पड़ता है, उनके साथ साथ उनके घर परिवार में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर पड़ता है, बच्चों के ऊपर पड़ता है, बच्चों के पढ़ाई पे उसका असर पड़ता है, लड़कियों पे भी इसका खासा असर देखने को मिला है। पिता जो हैं उनका एक मतलब आय जो है, इनकम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, इतना ही कमा रहे हैं, और वो लोग अपने आय का एक मैक्सिमम जो पोर्शन होता है, प्रोपोर्शन होता है, उसको वो लोग नशा के लिए, शराब पीने के लिए या जिस चीज़ में भी होता है उस पर वो लोग खर्च कर देते हैं। कुछ बचता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचता है। और इसलिए हम लोग सोचते हैं कि बच्चों के माध्यम से फिर से एक बार और उन लोगों को जागरूक किया जाए, सबको बताया जाए कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और बस जी, जैसा कि आप जानती हैं कि 5 साल हो गए हैं, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से 16 कुल शराबबंदी लागू की गई थी, उसके बाद से जो है ना ये 5 साल हो गए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शराबबंदी जो है पूर्ण रूपेण लगा, लेकिन पूर्ण रूपेण हुआ नहीं। पूर्ण रूपेण ना होने की वजह से अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसमें संलिप्त हैं, और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका मानना है कि शराबबंदी ना होके शराब चालू हो जाए, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, ये सही नहीं है जो लोग बोल रहे हैं ऐसा। शराबबंदी है, इस कानून को जैसे नीतीश जी ने लागू किया था बिल्कुल ऐसे ही इसको लागू रहना चाहिए। और बस यही है कि इसका जो असर है, मतलब दुष्प्रभाव जो है वो छोटे बच्चों पर ही पड़ेगा, वो लोग सीखेंगे बच्चों अपने माता पिता से, माँ से तो नहीं, पिताजी से। अगर पिताजी उसका आदि हैं तो वो लोग उससे लेते हैं, उनके सेहत पे असर पड़ता है, पिताजी के सेहत पे असर पड़ा, छोटे बच्चे भी अगर इस चीज़ में एकदम ये हो जाते हैं कि हाँ हम भी वो पी रहे हैं, हम भी पिएंगे, कुछ अच्छा है तो नहीं। कहीं ना कहीं सरकार की यह योजना जो है एकदम कारगर है, एकदम सही है इसके लिए। हाँ बिल्कुल सही है, और हम लोग इसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आगे आगे चल करके हम इस चीज़ को आगे तक लाएंगे और सबको समझाएंगे कि नशा मुक्ति बिल्कुल सही है और हम लोगों को इसका सपोर्ट करना है सब हर स्तर से। जी धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी का कहीं ना कहीं मानना है कि नशा मुक्त हमारा बिहार हो, और जो ये स्टेप उठाया गया है, जो कदम उठाया गया है ये कहीं ना कहीं कारगर है। चलिए, धन्यवाद।